वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो 1.90 पे रिसेंटली यहाँ पे देख सकते हैं कि 84.30 पे ट्रेडिंग करा है स्टॉक। आज 85 लेवल को ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ चुका है, यानी कि 1.90 पैसे की गिरावट, 2% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले है सेल स्टॉक के अंदर। तो जो प्रीवियस क्लोजिंग है 86.20 लेवल है, आज ओपन हुआ था स्टॉक तकरीबन फ्लैट ओपन हुआ था। प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसी के साथ ओपन हुआ, उसी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा प्रीवियस क्लोजिंग का और वही से देख सकते हैं कि तेजी के साथ गिरावट देखने को मिले। 85 लेवल सपोर्टिव लेवल थी, उसको भी ब्रेकआउट किया और रिसेंटली 85 के नीचे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है। मार्केट कैप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 34,000 करोड़ के मार्केट कैप बन चुके हैं। पी रेशियो जो है 7.77 का है जो कि अच्छा है और डिविडेंड यील्ड 10.38% का है। तो लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए तो देख सकते हैं स्टॉक के अंदर 2.26% की गिरावट देखने को मिले टोटली। और यहाँ पे आज के दिन का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर भी नजर डाली जाए तो देख सकते हैं टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 1 करोड़ 13 लाख का वॉल्यूम भी जनरेट हो चुका है। वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू देखी जाए तो 9,686 लाख के यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। तो बाइंग के लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 50 लाख। मैं सिक्योरिटी वाइज जो डिलीवरी पोजीशन है उसके ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 1 लाख 1 करोड़ 7 लाख, उसमें से 54 लाख डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। कुल मिला के 50% क्वांटिटी ट्रेडेड में से नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए जा चुके हैं। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं आज बेरिश कैंडल फॉर्म हो चुके हैं, तकरीबन स्टॉक नीचे भी आता है तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज वो सपोर्टिव एक्ट हो सकता है स्टॉक, क्योंकि काफी दिनों बाद इसको ब्रेकआउट मिला है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।